स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। काफ़ी अच्छा आर्किटेक्चर इस बिल्डिंग का। ये पोस्ट ऑफिस की बिल्डिंग है। तो ये ओटवा सीरीज़ की दूसरी वीडियो है और मैं डाउनटाउन में हूँ। इस समय मैं वॉक करके जा रहा हूँ पार्लियामेंट की तरफ। अभी 10-15 मिनट से बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, तो बारिश रुकी है तो मैं भी बाहर आया हूँ। तो मैं वॉक करते करते आपको कनाडा के बारे में कुछ फैक्ट्स बता देता हूँ। कनाडा की पॉपुलेशन करीब 4 करोड़ है। अभी टोटल 4 करोड़ हुई नहीं है इस वीडियो को बनाने के टाइम पे। तो ओवरऑल कनाडा में अगर एथनिक ग्रुप्स की बात करें तो सबसे ज़्यादा परसेंटेज है यूरोपियंस की, वो अराउंड 52% है। फिर उसके बाद नॉर्थ अमेरिकन हैं अराउंड 23%, एशियन पॉपुलेशन है अराउंड 19% और इंडिजिनस लोग हैं यहाँ पे 6%। फिर अफ्रीकन, लैटिन अमेरिकन, साउथ एंड सेंट्रल अमेरिकन लोग भी हैं, कैरेबियन लोग भी हैं यहाँ पे। ऑफिशियल लैंग्वेजेस यहाँ पे 2 हैं, इंग्लिश और फ्रेंच, दोनों यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है। ये क्या बना हुआ है मुझे नहीं समझ में आ रहा, पास जाके देखता हूँ इसको। नहीं, पास से भी नहीं समझ में आ रहा है। ओके, तो मैं काफ़ी पास पहुँच गया हूँ कनाडा की पार्लियामेंट के, वो सामने दिख रहा है। ये है कनाडा की पार्लियामेंट, और जो बीच में टावर देख रहे हैं इसको पीस टावर बोलते हैं, जिसके ऊपर एक घड़ी भी बनी हुई है। अगर आप कनाडा की पार्लियामेंट को अंदर से देखना चाहते हैं और पीस टावर को भी अंदर जाके देखना चाहते हैं, तो आपको सुबह थोड़ा जल्दी आना पड़ेगा। अराउंड 8:45 आ जाओ और रोड के उस पार एक ऑफिस बना हुआ है, वहाँ पे आप जा कर के बुकिंग कर सकते हो। या उससे भी इजी, आप ऑनलाइन बुकिंग कर लो। आपको जाना पड़ेगा visit.par.ca, इस वेबसाइट पे जा कर के आप एक टाइम स्लॉट बुक कर सकते हो। और ये टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका कोई भी चार्ज नहीं है अंदर से जा कर के पार्लियामेंट देखने के लिए। तो वो मेरे ओपिनियन में काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस होगा, मैं हाईली रिकमेंड करूँगा। अगर आप आते हो यहाँ पे तो अंदर से जाके पार्लियामेंट ज़रूर देखो। तो आज मैं पार्लियामेंट की बिल्डिंग और पीस टावर के अंदर तो नहीं जा पाऊंगा, लेकिन मैं साइड साइड से जो पार्लियामेंट हिल है वो पूरा एक्सप्लोर कर सकता हूँ। तो बहुत सारे टूरिस्ट यहाँ पे घूम रहे हैं, आइए मैं भी चलता हूँ इधर से, और इधर से भी काफ़ी अच्छा व्यू आएगा। तो ये जो सामने रिवर देख रहे हैं, ये ओटवा रिवर है और ये 2 स्टेट्स यानी 2 प्रोविंस को डिवाइड करती है। तो रिवर के इस पार ओंटारियो स्टेट है या ओंटारियो प्रोविंस है, और रिवर के उस पार क्वेबेक है।
यहाँ से व्यू बहुत ही अच्छा लग रहा है और मौसम भी काफ़ी अच्छा है, काफ़ी सुहावना सा मौसम है। बारिश जस्ट अभी थोड़ी देर पहले हुई थी, तो गर्मी भी नहीं है और ठंड भी नहीं है। तो ये ऑटवा रिवर के ऊपर जो ब्रिज बना हुआ है, ये ओंटारियो और क्वेबेक को कनेक्ट करता है। तो पार्लियामेंट देखने के बाद मैं रोड के इस पार आ गया और अभी मैं वॉक करके जा रहा हूँ वॉर मेमोरियल देखने के लिए, वो भी पास में ही है। और यहाँ पे रोड के किनारे बहुत सारे ट्यूलिप्स लगे हुए हैं। ये है वॉर मेमोरियल, कनाडा के जो फौजी अलग अलग वॉर्स में जो लड़े थे उनकी याद में बनाया हुआ है। उधर साइड में मुझे कैनल दिख रही है, थोड़ा उस तरफ भी वॉक करके आता हूँ। और इधर सामने एक लिमोजिन खड़ी है। ये कैनल भी काफ़ी फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन है, मैं इसको अगले वीडियो में कवर करने वाला हूँ। किसी की शादी का फोटो शूट चल रहा है। चलिए अब इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। अगली वीडियो में मैं आपको रिडियो कैमल भी दिखाऊंगा और ट्यूलिप फेस्टिवल भी दिखाऊंगा। टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।